हेलो बच्चों, स्टेट का ये स्वाध्याय 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ रेखा भी लिखी है। सवाल क्या था कि सवाल लिखा है यहाँ पर कि एक विस्तार में रहता 50 कुटुंबों में बालकों की संख्या, यानी कि एक एरिया के अंदर 50 परिवार है और उस परिवार के अंदर जो बच्चे हैं उनकी तादाद यहाँ पर दी हुई है, और जो माहिती यानी कि जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं उसका एक आवृत्ति वितरण, यानी कि इस तरीके से इसका आवृत्ति वितरण तैयार करना हमको। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज जाननी है, सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि कितने परिवार, देखिए 50 परिवार है और 50 परिवार में किसी भी घर में एक लड़का या लड़की है, किसी के घर में दो या लड़का या लड़की होगा, या तो दो लड़के या तो दो लड़कियां होगी। उसी तरीके से यहाँ पर किसी के परिवार में तीन बच्चे होंगे जिसमें एक लड़की दो लड़के या तीन तीन लड़कियां तीन तीन लड़के या एक लड़का दो लड़का इस तरीके से होगा, यानी कैसे करके मतलब में तीन बच्चे उसके घर में होंगे। ऐसे 50 परिवार, उस परिवार के अंदर आज हम देखेंगे कि आवृत्ति वितरण कैसे निकाला जाता है। तो आवृत्ति वितरण निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो रकम यहाँ पर दी गई है, तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है बालकों की संख्या जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है एक्स, फिर लिखा है यहाँ पर आवृत्ति चिन्ह, और तीसरे में लिखा है कुटुंबों की संख्या जिसको हम लोगों ने क्या लिखा है एफ, यानी कि जो भी संख्या होती है, जो भी हमारी गिनती कर रहे हैं बच्चे कितने हैं, तो हम लोग को यहाँ पर एक रकम देखनी है, तो इसको बोलते हैं वर्ग, और वर्ग के अंदर मैंने यहाँ पर 0, 1, 2, 3 लिया हुआ है। और ये 1, 2, 3 कैसे लिया, तो सबसे पहले हमको यहाँ जो रकम दी गई है उसके अंदर देखना है कि सबसे छोटी रकम कौन सी और सबसे बड़ी रकम कौन सी, और छोटी और बड़ी रकम तय करने के बाद दोनों को माइनस करना है, यानी कि बड़ी रकम लेकर छोटी रकम को माइनस कर देना, नफी कर दो। जब वो रकम माइनस करने पर जो रकम हमको मिलेगी उसके आधार पर हम इसका डिस्टेंस तय करेंगे, यानी कि उसके बीच का जो रकम लेनी हो हम लोग उसको तय कर लेंगे भाई कितना कितना डिफरेंट लेना। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे जो छोटी रकम दी गई है वो 0 है, और सबसे बड़ी जो कोई रकम दी गई वो हमको 3 है, यानी कि ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। इसकी वजह से हम लोग ने यहाँ पर सिंगल सिंगल रकम ले ली, 0, 1, 2 और 3। अगर बड़ी रकम होती, मान लो यहाँ 0 होता है, 1 से रकम शुरू होती और 50 के ऊपर जाकर खत्म होती, तो हम लोग यहाँ 5-5 के गैप को ले लेते, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या उससे बड़ी रकम होती 100 तक की रकम होती तो हम 10-10 का गैप ले लेते, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लेकिन यहाँ ज्यादा बड़ी कोई रकम है नहीं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर रकम सिंगल ले ली है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा है बालकों की संख्या, यानी कि संख्या दे दी है, हम लोग को कहा चिन्ह बनाना है कि इसकी आकृति बनानी है, चिन्ह में कुछ भी करना है, जैसे हम लोग 10वीं के दिन पढ़कर ही आए वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया कि पहली रकम क्या है 0, तो हमारे पास जो रकम मौजूद है वो रकम के अंदर 0 कितनी बार आया हुआ है इसकी गिनती करेंगे हम लोग, तो हम लोग गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 दफा 0 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह बनाएंगे उसका 1, 2, 3, 4, और पांचवी लाइन जो हमारी होगी वो एक समूह यानी कि जूत बनाने के लिए होती है, पांचवी लाइन यानी कि 5 की एक पैर बनती है, ये 5वां और 1, 6 दोनों के दरमियान में 5वां रकम है, यानी हमारे पास कुल 6 रकम हुई। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने बच्चे हुए 0 की, यानी ऐसे कितने परिवार है जिनके घर पे बच्चे है ही नहीं, तो ऐसे 6 परिवार है जिसके घर में ऐसे 6 परिवार है जिनके घर में बच्चा एक भी नहीं है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिखा 1, यहाँ गिनती करेंगे 1 कितनी दफा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 16 दफा हम इसकी पैर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां पर लिखी हम 16। इसके बाद 2 कितनी दफा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। इक्कीस दफा हमारे पास कौन है? दो है। क्या हम लोग बताएंगे इसको? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस। इसके बाद तीन कितनी दफा है? तो तीन हम देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात दफा ध्यान रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी कि ये हुआ हमारा। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला कि एक पर कितने परिवार ऐसे भी जिसके अंदर बच्चे नहीं थे। हम लोग को बताया यहाँ पर कि छह परिवार ऐसे हैं जिसके घर में एक भी बच्चा नहीं, सोलह परिवार ऐसे जिनके घर के अंदर एक ही बच्चा है, इक्कीस परिवार ऐसे जिनके घर के अंदर दो बच्चे हैं, और सात परिवार ऐसे जिसके घर में तीन बच्चे हैं। यानी अब हम इसका टोटल नहीं करेंगे, और क्योंकि हम लोग को बताया था रकम के आधार पर टोटल परिवार कितने थे, पचास परिवार। ये क्या, ये टोटल रकम 50 होती है? अगर ये 50 होता है यानी कि हमारा जवाब सही है। यहाँ लोग जमा करें इसको, छह छह बारह छह अठारह उन्नीस इक्कीस बीस का बचा जीरो बचे दो तीन पांच, यानी कि यहाँ हमारा 50 टोटल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दाखिला था जिसके अंदर परिवारों को बताया था कि कौन से परिवार में कितने बच्चे थे, तो 50 परिवार दिए गए थे। 50 परिवार के हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा है कि छह परिवार ऐसे जिसमें एक ही बच्चा नहीं है, सोलह परिवार ऐसे जिसके अंदर एक ही बच्चा है, इक्कीस परिवार ऐसे जिसके अंदर दो बच्चे है, सात परिवार ऐसे जिसके अंदर तीन बच्चे है। इस तरीके से हमको इसका सिर्फ टोटल लाना है।